और दीपावली को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिवाली का मौका, 500 साल बाद ऐसी दिवाली आई है, जो पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इस दिवाली के इंतजार में कई पीढ़ियां गुजर गईं। इस दिवाली के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए। 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम विराज है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझाता हूं। दरअसल इस साल की शुरुआत में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। रामलला टेंट से एक भव्य महल में गए और उसके बाद की पहली दिवाली, और इसी का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि ये दिवाली 500 साल के इंतजार वाली है। आज धनतेरस का पवित्र त्योहार है। सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। दो दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। उत्सव के इस माहौल में आज इस पावन दिन रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं।